राजनीति से जनमत हासिल करना चाह रही है उसमें इन चुनावों में हिमाचल की जनता उनको करारा जवाब देगी। जो भी रिजल्ट आता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थिर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास मैंडेट है। हमारे पास अभी भी विधानसभा के अंदर 34 सीटें हैं, भाजपा के पास 25 सीटें हैं और लोकसभा की सीटों के विजय के बाद, विधानसभा की सीटों के विजय के बाद ये जरूर है कि हम और स्ट्रांग होंगे, परंतु भाजपा जिस साजिश के तहत, जो उनकी एक सोच थी, जिस सोच के तहत वो हमारी सरकार को अनस्टेबल करना चाहते थे या हमारे को, इस सरकार को जो जनमत 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में जनता ने दिया, फुल मैंडेट के साथ सरकार बनी, उस जनता के जनमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की जो साजिश रची थी, उसमें उनको 1 जून की पोलिंग के बाद 4 जून को जब आपके सामने नतीजे आएंगे, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी कि कंगना रनौत जी, जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है, क्या उनके प्रत्याशी बनने से आपके कैडर संतुष्ट है? क्या आपके कैडर में खलबली नहीं मची हुई है? क्या आपका कैडर या आपके नेतागण जो मंडी पार्लियामेंट के अंदर कई वर्षों से काम कर रहे थे, क्या उनकी छाती के ऊपर मूंग नहीं दली गई है? और वो शिक्षा तो हमें देते हैं। कईयों बार आपने ये बात कही, कईयों बार भाजपा ने ये बात कही कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, पर हम भी इनसे पूछते हैं, आप अपना जवाब क्यों नहीं देते? क्या कंगना रनौत का नाम भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से गया था? यहां की लीडरशिप ने उनका नाम को भेजा था या वो सीधे ही सिलेक्शन से ऊपर से आई है? और उसके बाद कंगना जी से भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की बेटी है, उन्होंने हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी के ऊपर भी एक टिप्पणी की कि वो मंडी पार्लियामेंट के नहीं है, वो मंडी के नहीं है। तो अब मुझे हैरानी की बात हो रही है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है मंडी पार्लियामेंट से, शी इज फाइटिंग द इलेक्शन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये अंदाजा नहीं है कि मंडी पार्लियामेंट में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और किस विधानसभा क्षेत्र में विक्रमादित्य जी का घर है, या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि विक्रमादित्य जी के पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 1971 में पहली बार मंडी से लोकसभा के सदस्य बने और 4 मरतबा वो सदस्य रहे मंडी पार्लियामेंट से, और 3 दफा उनकी माता जी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी सदस्य रही। जब वो जीते हैं तो वो कहाँ से जीते हैं? मंडी पार्लियामेंट से जीते हैं और रामपुर का जो क्षेत्र है वो मंडी पार्लियामेंट का हिस्सा है और ये रामपुर के स्थायी निवासी है। अभी उनको तो ये भी समझ नहीं है कि इस पार्लियामेंट में कितने जिले हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियां, कौन आदमी कहाँ से लड़ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाजपा वाले उनकी जो नॉलेज है, राजनीतिक नॉलेज, उसको बढ़ाए और उनको समझाएं